जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की नई अपडेट है हरियाणा स्टेट की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि HSLSA ने असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर PN ऑफिसर जैसी वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, या फिर दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपके पास LLB यानी कि लॉयर की डिग्री है, तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दोस्तों वैकेंसी की जो फीस है वो बिल्कुल जीरो रहेगी, यानी कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उस ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर भी आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पंचकुला। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसीज की बात करते हैं, तो लीगल एड डिफेंस काउंसलर, और दोस्तों इसके बाद डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसलर, और असिस्टेंट लीगल एड, और दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर और PN की टोटल हरियाणा के 18 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। दोस्तों अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, तो अम्बाड़ा, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार, जींद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, नारनौल, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में दोस्तों ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। साथ ही दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, सभी जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी। इसी के साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, और दोस्तों PN की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि दोस्तों 18 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों, अगर पीरियड की बात करते हैं, तो 2 साल का आपका पीरियड रहेगा, हालांकि ये जो पीरियड है ये आपको जो है बढ़ा भी दिया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर लास्ट डेट की बात करते हैं, तो 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 12 सितंबर से पहले आपका एप्लीकेशन लेटर जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से अपना एड्रेस देख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए आपको अलग अलग लिंक दिए हुए हैं, आप यहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम फिल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म 3 पेज का है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। थर्ड पेज में दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपको डिक्लेरेशन दी गई है, ये डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नीचे चलकर देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे, यहाँ पर आपको पहले से डेट डालनी होगी। तो दोस्तों थर्ड पेज में केवल आपको इतना ही करना है, यहाँ पर केवल आपकी एक जो डिक्लेरेशन है वो दी गई है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड पेज है वो कैसे फिल करने हैं, हम इस बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपका पहला पेज है, यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज फुल टाइम लीगल एड लवर एंड लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे फिल करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपनी फोटो लगानी होगी, आपकी फोटो दोस्तों रिसेंट होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड यानी उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेट में हरियाणा लिखना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद जो थर्ड कॉलम है ये एप्लीकेशन नंबर का है, ये ऑफिस यूज के लिए, यानी कि ये आपको फिल नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, आपके फादर या फिर हस्बैंड का नाम लिखना होगा। दोस्तों अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आपकी शादी हो चुकी है, तो दोस्तों आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स मैच होने चाहिए। आपकी एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको लिखनी होगी, 1 अगस्त 2022 को आपकी एज कितनी थी आप यहाँ पर लिखेंगे। इस बार जेंडर आप मेल है फीमेल है यहाँ पर फिल करेंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस और चैम्बर एड्रेस, ये दोस्तों अलग अलग एड्रेस यहाँ पर पूछे गए हैं। दोस्तों रेजिडेंशियल एड्रेस में आपका अपने घर का एड्रेस लिखना है, ऑफिस एड्रेस अगर आपके पास है तो यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे, चैम्बर एड्रेस यानी कि अगर आप वकील लॉयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आपका ऑफिस एड्रेस और चैम्बर एड्रेस आपको दोनों लिखने होंगे अगर आपके पास है तो, अदरवाइज दोस्तों ऑफिस एड्रेस आपको लिखना होगा। टेलीफोन नंबर यहाँ पर 3 जगह पूछे गए हैं, अगर आपके पास ऑफिस के रेजिडेंशियल के अलग अलग जो मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, आपके पर्सनल मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर लिखने होंगे। आपके पास कोई फैक्स नंबर है तो डाल सकते हैं, मेल आईडी आपको डालनी होगी, आपके पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर आपको डालने होंगे। साथ ही दोस्तों आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर है इनका जो फोटो कॉपी है वो भी आपको अटैच करना होगा। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए।
इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताना है, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी LLB, LLM और इसके अलावा कोई और जो डिग्री है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, किस ईयर में पास किया था, परसेंटेज क्या थी, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। साथ ही इससे रिलेटेड जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको डालनी होगी। डेट ऑफ एनरोलमेंट एज लोअर, यानी आपने लोअर के तहत तो जो है काम कब किया, एनरोलमेंट नंबर क्या थे, ये जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। एनरोलमेंट नंबर दोस्तों एक सर्टिफिकेट होती है जो कि बार काउंसिल जारी करता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो बार काउंसिल है वो इस सर्टिफिकेट को जारी करता है और उसका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अलग दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉयर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ जो है आपको डालनी होगी। अगर दोस्तों आप PN के लिए या फिर दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये सभी जानकारी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद एक्सपीरियंस इन बार, यानी कि आपने कितने, सॉरी आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको डालना होगा। साथ ही यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए, टोटल के नंबर ऑफ केसेज हैंडल, आपने कितने केस हैंडल किए हैं वो लिखेंगे, आपके केसेज का नेचर क्या था वो लिखेंगे, स्पेशलाइजेशन यानी अगर आप किसी केस में, किसी टाइप ऑफ केस में आप स्पेशल हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर डालनी होगी। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम नंबर 20 की बात करते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आपने सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कोई काउंसिल या फिर प्लेडर के रूप में काम किया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर कोर्ट्स वेयर द एप्लीकेंट इज रेगुलर प्रैक्टिसाइजिंग, यानी कि आप जिस कोर्ट में रेगुलर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एनक्लोज बार एसोसिएशन मेंबरशिप सर्टिफिकेट, यानी उसका जो मेंबरशिप का जो सर्टिफिकेट है जिस कोर्ट में आप काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके बाद स्पेसिफाई वेदर अर्लियर रिमेंड ऑन पैनल ऑफ HES है, DSL, TSL। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि इंडिकेट पीरियड, नंबर ऑफ लीगल एड केसेज हैंडल्ड और रिजल्ट, यानी आपने जितने भी केस किए लड़े हैं उनके जो रिजल्ट है, उनका जो केस है, टाइप है, आपने जितने भी केस हैंडल किए हैं वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। इस बार कॉलम नंबर 23 जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पूछा गया डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिलर जो होता है इसने आपके खिलाफ कोई केस या फिर कोई जो है फाइल अगेंस्ट की है या फिर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिलर ने कभी आपके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया है तो दोस्तों उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर जो है ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करने होंगे। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, थर्ड पेज के बारे में दोस्तों मैंने पहले आपको बता दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोअर के लिए अप्लाई करते हैं तो ही ये सभी कॉलम्स आपको फिल करने हैं, अदरवाइज दोस्तों आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा हो सके। साथ ही दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।